इतना भी अच्छा नहीं था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी तो मैं ऑफ़िस के लिए रेडी हुई हूँ। एक्चुअली आज मैं व्लॉग के स्टार्टिंग मॉर्निंग से करने जा रही हूँ, तो अभी मैं ऑफ़िस जा रही हूँ, फिर शाम को हम आपको हल्द्वानी शहर दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं ऑफ़िस को। ये देखो कुसुम आ गई है शॉप से, पता नहीं क्या लेके आ रही है, मैगी। खाना बनाने का तो आलस है इसे। तो हम ऑफ़िस को जाने लग गए हैं। हस्बैंड जी आ गए हैं। ये आ गई बंदरिया, गुड मॉर्निंग। सुबह सोए थे सारे सारे। क्या स्कूटी निकाल ली है हमने, पूजा चलाने लग गई है स्कूटी। देखो अभी तो धीरे धीरे आ गई है। ये चलेगी पूजा। रुको रुको रुको। बाकी यहाँ पे और भी कैंटाविल और यूएस पोलो का शोरूम भी खुला है। ये सौरभ होटल के जस्ट सामने ही है हल्द्वानी में। बाकी ये वुडलाइन का शोरूम आ गया है यहाँ पे। ये हम लोग अभी नैनीताल रोड पे जा रहे हैं। अभी बहुत दिन हो गया है, हमने बहुत दिन से थोड़ा आउटिंग नहीं करी है, तो थोड़ा आगे तक जा रहे हैं हम आउटिंग के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी नैनीताल रोड पे क्या क्या पड़ता है गाइस, ठीक है? वो रहा जजी कोर्ट, दिख भी नहीं रहा है, यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे। और ये रहा आपका रिलायंस डिजिटल। अभी तो यहाँ का वेदर भी ऑसम हो गया है गाइस, सुबह तक तो धूप थी बहुत तेज। और ये आ गया हमारा विशाल मेगा मार्ट, यहाँ का सबसे पुराना मॉल होगा आई थिंक, सबसे ज़्यादा भीड़ भी यहीं पे रहती है। बाकी वो रहा ब्रिजलाल हॉस्पिटल, ये भी हल्द्वानी के काफ़ी जाने माने हॉस्पिटल में से एक हॉस्पिटल है। तो ये आ गया है वॉकवे मॉल, ये यहाँ का सबसे बड़ा ही मॉल है अभी तक का। इसमें बहुत सारे शोरूम भी हैं अंदर, और मूवी वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, थिएटर भी है अंदर, ये देख सकते हैं आप, पेंटालूस वगैरह सभी कुछ है यहाँ पे अंदर। ये इसका एंटर गेट है, और ये है बाजार इंडिया। अच्छा, हल्द्वानी में काफ़ी सारे मॉल है, बहुत सारे मॉल यहाँ पे ओपन हो गए नए भी, और पहले से भी काफ़ी सारे मॉल्स यहाँ पे हैं। दोस्तों यहाँ पे वो जो सामने रास्ता दिख रहा है, पहले मैं यहाँ पे स्कूटी सीखा करती थी, मेरे हस्बैंड सिखाते थे मुझे स्कूटी। और ये रोड कटी है दम्मा डोंगा पे, यानी कि पंचकी चौराहा दम्मा डोंगा पे रोड कटी हुई है, यहीं से हम घर जाएंगे। ये हाइडल गेट है, हाइडल गेट पे पहुँच जाएंगे। अब तो हमने डेली वाले रास्ते में पहुंचने वाले हैं। ये भैया लोगों की शॉप है, हमारे बगल में ही रहते हैं ये लोग भी। अब हम सदा की कोठी पहुंचने वाले हैं, फिर हम चलते हैं मोमो खाने भैया के वहाँ पे, जहाँ हम डेली खाते हैं। अभी आपको मिलवाती हूँ भैया से भी। ये रही शॉप भैया की। ये दोस्तों मैं भैया की शॉप पे पहुंच चुकी हूँ, भैया से मिलवाती हूँ आपको। यहाँ भैया, हाय हाय भाभी। यहाँ पे हम डेली डेली आते हैं मोमोज खाने के लिए। मोमोज लगा दो आप, वेज एंड चाउमीन। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ये बोर्ड लगा है, वेज बर्गर है, वेज पनीर रोल, चिकन शोरमा रोल, चिकन बर्गर, चिकन शोरमा बर्गर, सब कुछ अवेलेबल है।
तो दोस्तों बस अभी मोमोज खा के यहाँ से निकल गए हम। मेरे हस्बैंड तो चिकन लेने चले गए थे, आज चिकन बनेगा। बाकी पापा जी ने मंगवाया है चिकन। बाकी अब मोमोज तो मैंने खा लिए, हस्बैंड जी नहीं खा रहे हैं, तो अब हम सीधे घर को निकल रहे हैं यहाँ से। अभी टाइम में लगेगा खाना वगैरह बनाने में, तो सीधे अभी हम घर को ही जा रहे हैं। ये आ गई है डेयरी, यहाँ से दूध लेते हैं हम। ले लो दूध। अब हम ये लगा दी स्कूटी पार्किंग में। ये पकड़ना दूध। अबे फट गया। कहाँ फट गया? ये दूसरी तो नीचे आ गए। दूसरी पॉल जल्दी आओ। कौन देती? ये महारानी बैठी है देखो। सुबह से फोन में लगे रहना बस सुबह से। सर तो बनाने कहाँ बैठे हैं? सर कहाँ हो? छुप गए फिर क्या? कितना दिखाओगे? देखा है सबने इसको? दिखा दिया है। नेपाल से आई है लड़की। चाइना जा रही हूँ। फाइनली फ्रेंड्स मैं घर पहुँच गई हूँ, तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी चेंज वगैरह करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। ये देखो यहाँ पे बन रहा है चिकन जो मेरे हस्बैंड जी बना रहे हैं, और ये मैडम काट रही है प्याज, क्योंकि मुझे प्याज काटना नहीं आता है, बहुत मोटा मोटा काट देती हूँ मैं। चाकू से बात होती है। और इसीलिए कुसुम से करवा रही हूँ ये काम। बाकी हस्बैंड जी बना रहे हैं चिकन। अभी जब बन जाएगा तब आपको दिखाएंगे कैसा बनाया है इन्होंने। ये फ्राई हो रहा है प्याज। इसको पहले पूरा हम ब्राउन करेंगे। कैसे डालूं अभी? ब्राउन नहीं हो जाता तब तक टमाटर नहीं डालेंगे। ओह माय गॉड, पसीना देखो जरा, कितनी मेहनती बच्चा है। दोस्तों ये है पहाड़ी नमक, लहसुन वगैरह धनिया वगैरह सब कुछ मिला है इसमें। ये मेरी मम्मी ने स्पेशली मेरे मायके से मेरे लिए पीस के भिजवाया था, मुझे बहुत पसंद है। हाँ ये सिलबट्टे में पिसा हुआ है, मुझे बहुत पसंद है, और मेरे घर वालों को भी, पापा जी मम्मी जी सबको बहुत पसंद है। मंदिर का प्रसाद। और ये नाशपति में लेके आई थी, इसमें लगा के हम खाएंगे। कैसी हो रही कुसुम? कैसी हो रही, मतलब टेस्टी हो रही या नहीं हो रही? तो गाइस देखिए मेरा तो चिकन हो गया है रेडी। ये रहा चिकन। बाकी अब पूजा लोग को दिखाते। देखिए पूजा रोटी बनाने का टाइम हो रहा है, अभी तक टीवी भी देखने में लगी है। ये गप आप गप खाने में लगी है ये, और इसके दोस्त जाओ रोटी बनाओ चुपचाप से, इतनी देर हो रही है जी। सो दोस्तों मेरा चिकन का काम तो हो गया ख़त्म, अब पूजा की बारी है रोटी बनाने की। वैसे मुझे एक चिकन ही बनाना आता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक मैगी बस। जब चिकन बनता है तो मैं ही बनाता हूँ अपने घर में, बाकी सब्जी वब्जी तो पूजा ही बनाती है नॉर्मल। क्योंकि पूजा चिकन ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाती, इसलिए मैं बनाता हूँ चिकन बनाना। क्यों पूजा? हाँ पूजा को चिकन ऐसे बनाने ही नहीं आता, खाना आता है। पापा को मेरे हाथ का चिकन अच्छा लगता है। पापा का खाना खा रहे। कैसा लगा पापा चिकन आपको? इतना भी अच्छा नहीं था। पापा कह रहे फाइव स्टार का जैसा लगा बोल। सो गाइज अब हमने खाना वगैरह खा लिया है, बर्तन भी मैंने धो दिए हैं, तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो आज मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग यही करने जा रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट ऑल्सो। बाकी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय।